बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यूएई जाने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सारी इंफॉर्मेटिव बनाई हैं, अपने चैनल की पब्लिसिटी करने के लिए नहीं बनाई। उनसे लोगों को फ़ायदा ही हुआ है, अल्लाह पाक का शुक्र है। कल 50 लोग ऑफलोड होने के बाद मैंने फ्लाइट बॉय वालों से कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा आज संडे का दिन है, कल सुबह होने दें, देखते हैं क्या होता है, क्या नई पॉलिसी आती है। उन्होंने आज दोबारा से नई पॉलिसी दे दी है और दोबारा से न्यू गाइडलाइंस दे दी हैं। ये आप प्लीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि अगर आपका दुबई इशूड वीज़ा है तो GDRFA के अप्रूवल के बगैर आप नहीं जा सकते, और किसी और स्टेट का आपका वीज़ा है तो IC अप्रूवल के बगैर और ग्रीन स्टेटस के बगैर आप नहीं जा सकते। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका रेड स्टेटस था, उनका API ओके आ गया और वो चले गए। पिछली वीडियोज़ में मैंने बार बार कहा है API, फिर कह रही हूँ API। UAE की पॉलिसी जैसे ही आई कि IC अप्रूवल नहीं चाहिए, तो बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बनाई, मैंने भी बनाई, लेकिन मैंने उसमें API का जिक्र ज़रूर किया था। बहुत सारे लोग API को कहते हैं एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन, जबकि ऐसा कुछ नहीं। API एक सिस्टम है UAE इमिग्रेशन का। आप किसी भी एयरलाइन से जाएं, आप UAE जा रहे हैं, आपको API चेक ज़रूर करवाना पड़ेगा। वहाँ से ओके होगा, UAE इमिग्रेशन ओके करेगी तो आपको बोर्डिंग मिलेगी। अगर NOK आएगा तो आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी। आज मैंने एमिरेट्स वालों के साथ भी मीटिंग की, आज मैंने फ्लाई दुबई वालों के साथ भी मीटिंग की, सबके साथ करके मैंने सोचा आपके साथ ये एक वीडियो आपसे शेयर करूं दोबारा से। एक्चुअली कुछ और मामलात हैं जो एक्सपोज नहीं कर सकते, जो बताए नहीं जा सकते, ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं होते। तो प्लीज़ आप फ्लाई दुबई के, आपसे मैंने हमेशा यही आपको एडवाइस किया कि जो भी टिकट्स बनवाएं आप प्लीज़ फ्लैक्सी टिकट्स बनवाएं और ट्रैवल एजेंट से ना बनवाएं। अगर वो आपको रिफ़ंड करके देंगे तो बनवाएं, अदरवाइज़ आप एयरपोर्ट ऑफिसेज से बनवाएं या टाउन ऑफिसेज से बनवाएं या आप कॉल सेंटर से बनवाएं। और जो समझते हैं कि API इंफॉर्मेशन आप अपडेट करेंगे तो आप चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दोबारा से बता दिया, API ओके होगा तो आपको चेक इन पे बोर्डिंग पास मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी एयरलाइन बोर्डिंग पास नहीं देगी, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो अरबिया हो, चाहे वो फ्लाई दुबई हो, चाहे वो इतिहाद एयरवेज हो। आप फ्लैक्सी टिकट्स बनवाइए, अगर आप ना जा सकें आप लिखवा लीजिए और आप टिकट रिफंड करवा लें, उसमें आपको सिर्फ 1000 या 1500 रुपये कटेंगे, बाकी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताइए, आपको मैं टिकट बनवा के दे दूँगी। बस आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह आपको मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी जिसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानल्लाह।